आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुए रेल हादसे में अब तक मृतकों का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। पूर्वी तटीय रेलवे के CPRO बिस्वजीत साहू ने बताया कि राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है। अब ट्रैक पर रेल संचालन बहाली पर फोकस किया जा रहा है। हादसे की वजह से फंसे हुए यात्रियों के लिए बसों और ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। हादसे की वजह से अब तक कुल 18 ट्रेनें रद्द हुई हैं और 22 ट्रेनों का रूट बदला गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम 4 बजे तक प्रभावित रूट पर ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो सके। हादसे की जांच की जा रही वॉल्टियर डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर सौरभ प्रसाद ने बताया कि भारी मशीनें और क्रेन्स बुला ली गई हैं। राज्य सरकार और अग्निशमन विभाग के साथ समन्वय करके काम किया जा रहा है। हादसे की वजह के बारे में पूछने पर सौरभ प्रसाद ने कहा कि एक बार जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के कारण के बारे में कुछ कहा जा सकेगा। रेल मंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। रेल मंत्री ने वॉर रूम से की हादसे की समीक्षा। विजयनगरम की SP ने बताया कि रेल हादसे में मारे गए लोगों में से अभी तक 7 की पहचान हो चुकी है और अन्य शवों की पहचान की भी कोशिश की जा रही है। वहीं हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली स्थित रेल भवन के वॉर रूम से हालात की समीक्षा की और रेलवे के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। रेल मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से भी फोन पर बात की।